हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज 1 जनवरी है और आज निश्चल पार्टी कर रहा है। ये देखो, समोसे है, पेस्ट्री है और मिठाई है, और ये निश्चल का फेवरेट पेस्ट्री आया है। ये देखो पिंक वाली पेस्ट्री, और ये देखो मिठाई भी आया है। आज इसके बुआ का बर्थडे है, तो इसकी बुआ ने पार्टी करने के लिए पैसे भेजे थे इसको। तो आज मैं अभी समोसे लेके आया हूँ, पेस्ट्री और मिठाई। तो अभी हम लुत्फ उठा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, मजा आने वाला है। बिल्कुल समोसे, तो मजा आ गया। तो ये है दोस्तों, क्योंकि मेरे को लगा था कि बाहर ले जाओ इन लोगों को, लेकिन बाहर में पता होगा टाइमिंग कैसा चल रहा था, मैं घर पे ही ला दिया सारा सामान, क्योंकि घर पे साथ में बैठ के खाने का दिल कुछ और होता है, मार्केट में बैठ के खाने का अभी टाइमिंग नहीं है। तो मैंने सारा पैकिंग करवा के ले आया, तो अभी हम खाना खा रहे हैं, मजा आ रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों, हम लोगों ने समोसे खा चुके हैं, अब खा रहे हैं पेस्ट्री। अरे निश्चल तो मिठाई खा रहा है, क्या बात है। ओए होए, तो थोड़ा पेस्ट्री का टेस्ट कर रहा हूं मैं, मजा आ रहा है। निश्चल मजा आ गया पेस्ट्री खा के। कंफ्यूज है कि इतना सारा सामान था कि कौन सा खाए कौन सा नहीं खाए। अच्छा लग रहा, बोला सबके फेस पे केक लगा दूंगा मैं, आ जाओ आप लोग मेरे पास। तो दोस्तों, मैंने तो पेस्ट्री खा लिया, समोसे खा लिया, मैं जल्दी खाता नहीं रहता हूँ, क्योंकि पता ही होगा जिम वाले बंदे जल्दी खाते नहीं है। लेकिन आज क्या करें, 1 जनवरी, एक तो 1 जनवरी है और ऊपर से मेरी बहन का बर्थडे है, तो इसलिए खाना पड़ा। क्योंकि सालू बोल रही थी आपको खाना ही पड़ेगा तभी हम खाएंगे, तो इसलिए मैंने खा लिया है। तो अभी मैं मटन भी लेके आया हूँ, चिकन भी लेके आया हूँ, तो आज मैं वो ही बनाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट बनाने चलते हैं। तो दोस्तों, ये खाना बन रहा है, अभी ये लहसुन और अदरक को छील रही है और मैंने मटन को चढ़ा दिया है। मैं कुकर में बना रहा हूँ मम्मी के स्टाइल में मटन, और ये फटाफट काट रही है। थोड़ा सा मैं चिकन भी लेके आया था, इतना सारा चिकन खाने के लिए, तो वो भी मैं बनाऊंगा, पहले अभी मटन बना रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ये रहा मटन को मैं फ्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैं मटन को फ्राई कर रहा हूँ, और ये मैं अपनी मम्मी के स्टाइल में बना रहा हूँ, बिल्कुल जो मम्मी मेरी बनाती है बिहारी स्टाइल में। किसी दिन मैं इसकी रेसिपी भी बताऊंगा, आज तो मैं पूरा ब्लॉग ही शूट कर रहा हूँ चिकन मटन खाना पीना का। ये देखिए दोस्तों, मजा आ जाता है, इसको 15-20 मिनट तक भूनते हैं। तो दोस्तों, इस साइड तो मटन चढ़ा हुआ है, और इधर देखो हम चिकन भी बना रहे हैं। थोड़ा सा चिकन लेके आया हूँ मैं, सालू नहीं खाती है नॉन वेज, सालू को सख्त मनाही है, पता नहीं क्यों नहीं खाती है, भाई मैं तो खाता हूँ। और आज ना मैं चिकन मटन दोनों का मजा लेने वाला हूँ। तो ये चिकन मैं थोड़ा सा लेके आया था 250 ग्राम, और मटन भी 250 ग्राम लेके आया था। तो इधर हम चिकन बना रहे हैं और उधर मटन चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो फ्राई व्राई करके मैंने डाल दिया, पानी वानी डाल के, बस सीटी लग रही है, तो थोड़ी देर में वो भी तैयार हो जाएगी। तो अभी ये चिकन बन रहा है, और चिकन मैं सालू से बनवा रहा हूँ, क्योंकि मटन मैं बनाऊंगा, और मैं बना चुका हूँ मटन, क्योंकि सालू तो इसको बस चिकन बनाना, क्योंकि आज तक मटन कभी बना ही नहीं है। तो मैंने बोला भाई तेरे को तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि तू खराब कर देगी, इसलिए मैंने बनाया मटन। और चिकन ये हमारी मोहतरमा बना रही है। और दोस्तों, ये जो है निश्चल चुपचाप बैठा हुआ है, कार्टून देख रहा है, ये बोला पापा जल्दी से चिकन बना दो, क्योंकि ये मटन खाता नहीं है, तो चिकन के इंतजार में है। निश्चल, तुमको चिकन अच्छा लगता है कि मटन? हाँ, चिकन अच्छा लगता है, मटन अच्छा लगता है, दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छे, झूठ मत बोल। आज मैं दोनों खा जाऊंगा। ओ, बोला दोनों खा जाऊंगा, क्या बात है निश्चल। बोला मैं पापा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं दोनों खा जाऊंगा, क्या बात है निश्चल। तो दोस्तों, ये चिकन भी बन रहा है आपका, और ये देखो मैंने कढ़ाई चिकन बनाने के लिए बोला था सालू को, सालू ने बीच में ही छोड़ दिया, और ये सफाई करने में लग गई है, बहुत ही बदमाश है, इसका खाना बनाने पे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। और देखिए कितना लाजवाब कलर आ रहा है चिकन के अंदर, और ये कढ़ाई चिकन है, मजा आ जाएगा आज तो खा के कढ़ाई चिकन। तो दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल चिकन तैयार हो चुका है, कढ़ाई चिकन। ये देखो सालू तो बीच में छोड़ के चली गई थी, और ये निश्चल आ गया है बिल्कुल खाने के लिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो अभी मैं इसको सर्व करूंगा, और देखो नॉन वेज तो मैंने
इसके अंदर जो मटन था वो कुकर में पूरी सीटी लग चुकी है, तो मैं अभी खोला नहीं हूँ क्योंकि ठंडा है, अभी थोड़ी देर में खोलते हैं, तब तो चिकन का लुत्फ उठाते हैं। लोग चिकन का लुत्फ उठाने वाले हैं, तो निश्चल को खिलाते हैं पहला बाइट। पहला बाइट खाओ, अच्छा खा लूंगा। निश्चल कैसा है? निश्चल मजा आ गया था, तीखा है लग रहा है मेरे को, इसलिए निश्चल का रिएक्शन से देख के पता चल गया। अब मैं थोड़ा टेस्ट करके बताता हूँ कढ़ाई चिकन, क्योंकि ये सालू नहीं बनाई है, मैंने बनाई है, वो तो चली गई थी बर्तन धोने। वाह, वो भाग गया। मैंने स्पाइसी बनाया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। तो दोस्तों ये देखिए मटन बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा लग रहा है, और ये मेरी मम्मी के स्टाइल का मटन है ये, बिल्कुल। ये देखिए सालू दिखा रही है आपको, लेकिन ये खुद तो खाती नहीं है ना बनाई है, लेकिन बोले मैं दिखा रही हूँ ताकि लोग देखें ना, तो लगे कि भैया मैंने बनाई हूँ। सिंपल बात है कि जब मैं खाती नहीं हूँ तो मैं बनाना जानती भी नहीं हूँ मटन। हाँ, पर ये है कि मैं चिकन बनाना जानती हूँ, चिकन बना लेती हूँ, अंडा करी बना देती हूँ, ऑमलेट वगैरह बना देती हूँ, पर मुझे सच्ची में मेरे को मटन भी नहीं आता बनाना, ना ही मुझे मछली आता है बनाना, क्योंकि मछली से तो मुझे सच में, चाहे वो जिंदी हो या मरी हुई हो, मुझे बहुत डर लगता है मछली को देखते ही, तो मैं कभी उसको दूर से भी हाथ नहीं लगाती रहती हूँ, तो और क्योंकि भाई मैं खाती भी नहीं हूँ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो दोस्तों हम लोगों का तो न्यू ईयर बन चुका है, चिकन भी खा लिए, मटन भी बन चुकी है, अभी मटन मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, उससे पहले समोसे खा लिए थे, पेस्ट्री खा ली थी, मिठाई खा लिया था, निश्चल ने भी खा लिया चिकन, और अब मैं जाऊंगा सोने के लिए क्योंकि नींद आ रही है, क्योंकि कल फिर जिम भी जाना है सुबह के टाइम में। तो निश्चल तुम्हें सोना नहीं है? आज ये बोला खुशी का दिन, आज ये बहुत ही मस्ती करे, कितना मस्ती करेगा, बोला निंजा हथौड़ी देखूंगा, सारा नाटक देखूंगा, आज खुशी का दिन है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पे जो भाई बहन आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल बटन भी जरूर दबा दे। और निश्चल देखिए लाइक के लिए बोल रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार। चलिए कल मिलते हैं, और खुशी से न्यू ईयर मनाइए। ओके थैंक दोस्तों।